गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने जापानी मंत्रिमंडल की जो विशिष्ट विशेषताएं हैं के विषय में पढ़ा, और साथ ही जापानी मंत्रिमंडल एवं ब्रिटिश मंत्रिमंडल का तुलनात्मक अध्ययन भी हमने किया। आज हम जापानी मंत्रिमंडल के अंतर्गत जो मंत्री होते हैं उनकी योग्यताएँ, किस प्रकार मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है, मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं उनकी क्या कार्यावधि रहती है एवं क्या एजेंडा रहता है, और साथ ही जापानी मंत्रिमंडल द्वारा क्या क्या कार्य किए जाते हैं के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम बात करते हैं जापानी मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की योग्यताएँ निर्धारित की गई हैं। संसदीय प्रणाली वाले देशों में मंत्रियों के लिए किन्हीं विशिष्ट योग्यताओं को निर्धारित नहीं किया जाता है, लेकिन जापान के संविधान का जो अनुच्छेद 66 है वह मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए कुछ योग्यताएं निर्धारित करता है। अनुच्छेद 66 यह कहता है कि केवल असैनिक ही प्रधानमंत्री और राज्य के मंत्री हो सकते हैं, कोई सैनिक मंत्री पद को ग्रहण नहीं कर सकता। ब्रिटेन जैसे देशों में असैनिक सदस्यों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। अतः कोई बहुत अधिक विस्तार से जापानी संविधान मंत्रियों के लिए योग्यताएं निर्धारित नहीं करता, लेकिन हाँ कुछ बातें हैं जो संविधान में लिखित हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रियों को क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो इस संबंध में जो संविधान का अनुच्छेद 75 है वह कहता है कि प्रधानमंत्री की स्वीकृति के बिना राज्य के मंत्रियों के विरुद्ध उनके कार्यकाल के दौरान कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। अतः जो ये है, ये मंत्रियों का एक विशेषाधिकार है जो जापान के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 75 द्वारा उन्हें प्रदान किया गया है। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के गठन की। जापान में मंत्रिमंडल के गठन की जो क्रिया है राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष अर्थात सम्राट से प्रारंभ नहीं होती, बल्कि डाइट यानी वहाँ की संसद से आरंभ होती है। अनुच्छेद 67 के अनुसार डाइट के प्रस्ताव द्वारा डाइट के सदस्यों में से मनोनीत किए जाने पर सम्राट औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं। अतः जो प्रधानमंत्री है उनके चयन की जो शक्ति है वो डाइट में निहित है, सम्राट में नहीं। सम्राट उस सदस्य को प्रधानमंत्री नियुक्त करने के लिए बाध्य हैं जिसे डाइट ने इस पद के लिए चुना है। इस संबंध में ना ही तो सम्राट की कोई व्यक्तिगत पसंद होती है, ना ही इस संबंध में सम्राट को कोई विवेकाधिकार प्राप्त है। वस्तुतः प्रधानमंत्री के चयन में सम्राट की कोई अपनी पसंद नहीं होती, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के चयन में संसद का कोई हाथ नहीं होता। वहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति संप्रभु द्वारा होती है। हालांकि जो सम्राट हैं ब्रिटेन के, वो भी इस चीज़ को लेकर बाध्य हैं कि वे जो कॉमन सभा यानी कि जो जनता द्वारा निर्वाचित सदन होता है, वो जिसे अपने बहुमत दल का सदस्य चुनता है उसे ही सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। जापान में प्रधानमंत्री राज्य के अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है और उन्हें उनके पद से पृथक भी कर सकता है, लेकिन इस संबंध में प्रधानमंत्री जो है वो कई चीज़ों से प्रभावित होता है। उसे जहाँ डाइट के जो प्रमुख एवं वरिष्ठ सदस्य होते हैं उन्हें संतुष्ट रखना पड़ता है, तो निश्चित तौर पर अपने दल के प्रभावशाली सदस्य विभिन्न वर्गों और हितों में या विभिन्न जो समूह होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाकर चलना पड़ता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री के लिए मंत्रिमंडल का जो गठन होता है वो निश्चित तौर पर एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। जापान में मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो डाइट के सदस्य होते हैं, फिर भी गैर डाइट के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। ऐसा कोई भी प्रावधान भारतीय संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यदि किसी गैर सांसद को मंत्री बना दिया जाता है या जो निम्न दल है या कुल मिलाकर संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर उसकी सदस्यता लेनी होती है, लेकिन जापान के अंतर्गत ऐसा नहीं है। और ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं कि डाइट में जो जो मंत्रिमंडल है उसमें गैर डाइट सदस्यों को भी शामिल किया जा सकता है। तो अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल की बैठकों की। मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं वो प्राय 2 बार होती है सप्ताह में,
प्रधानमंत्री इन बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और उनकी अनुपस्थिति में उप प्रधानमंत्री या जो भी वरिष्ठ सदस्य हो वे मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। और बैठकों के लिए कोई भी गणपूर्ति तय या निश्चित नहीं की गई है। बैठकों की जो कार्यवाही है उसे गुप्त रखा जाता है और निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। प्राय संसदीय संविधानों में ये देखने को मिलता है, यदि आप भारत के संदर्भ में देखें तो निर्णय प्राय बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन जापान का जो संविधान है वो इस संबंध में थोड़ा सा अनूठा है कि यहाँ जो निर्णय है वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, बहुमत से नहीं। आइए अब हम बात करते हैं जो मंत्रिमंडल है उनके कार्यों की। मंत्रिमंडल का सबसे प्रथम एवं महत्वपूर्ण कार्य है प्रशासनिक कार्य। अनुच्छेद जो 65 है वो कार्यपालिका शक्ति को मंत्रिमंडल में निहित करता है। संविधान का अनुच्छेद 4 कहता है, सम्राट को शासन संबंधी शक्तियों से वंचित करता है, जो अनुच्छेद 4 है। संविधान कार्यपालिका शक्ति को परिभाषित नहीं करता। संविधान की इन सब व्यवस्थाओं का एक ही अर्थ है, मंत्रिमंडल जो है वो सिद्धांत और व्यवहारतः प्रशासन संबंधी समस्त कार्यों का निष्पादन करेगा जिन्हें कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत लिया जा सकता है। जापान का जो मंत्रिमंडल है उसकी स्थिति कहीं ना कहीं ब्रिटेन और भारत जो दोनों ही देश संसदीय प्रणाली को ही अपनाए हुए हैं, लेकिन जापान का जो मंत्रिमंडल है वो फिर भी इन दोनों देशों के मंत्रिमंडल से काफ़ी पृथक या भिन्न स्थिति रखता है। इन देशों में जो सिद्धांत तौर पर आप देखें तो कार्यपालिका जो शक्ति है वो सम्राट या राष्ट्रपति में अर्थात जो संवैधानिक अध्यक्ष है उसमें निहित है, और उस शक्ति का हालांकि वास्तविक शक्ति का जो प्रयोग है वह मंत्रिमंडल ही करता है। सामान्य प्रशासनिक कार्यों के अतिरिक्त अनुच्छेद 73 में मंत्रिमंडल के जिन कार्यों का उल्लेख किया गया है वे निम्नानुसार हैं, जैसे कि राज्य के कार्यों का संचालन करना, निष्ठापूर्वक कानूनों को लागू करना, विदेशी मामलों का प्रबंध करना, डाइट की पूर्व अथवा बाद में प्राप्त की गई स्वीकृति पर संधियों को निश्चित करना, या ये कहा जा सकता है कि मंत्रिमंडल को दूसरे देशों के साथ जो संधियाँ की गई हैं उनके लिए या तो पहले या बाद में डाइट की स्वीकृति लेना अनिवार्य है, कानून द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर नागरिक सेवाओं का प्रबंध करना, बजट तैयार करना, उसे डाइट के समक्ष रखवाना। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो देश की आर्थिक नीति है उसे निर्धारित करने का जो अधिकार है वो मंत्रिमंडल का है। वह आय व्यय की मदों को निश्चित करता है तथा उसकी स्वीकृति के लिए बजट को डाइट के समक्ष प्रस्तुत करता है। संविधान की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए मंत्रिमंडलनात्मक आदेशों का निर्माण करना, इन आदेशों या अध्यादेशों का प्रयोग संविधान के उपबंधों और डाइट द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने के लिए किया जा सकता है। सामान्य क्षमा या विशिष्ट क्षमा को निश्चित करना, दंड को कम करना, अधिकारों को पुनः प्रतिष्ठित करना, मंत्रिमंडल के ये जो कार्य हैं ये न्यायिक प्रकृति के हैं जिनके बारे में हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। संसदीय प्रणाली वाले देशों में इनका प्रयोग संवैधानिक अध्यक्ष, जैसे कि ब्रिटेन में इन न्यायिक प्रकृति के जो कार्य हैं इनका प्रयोग संवैधानिक अध्यक्ष अर्थात सम्राट और भारत में राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन जापान में मंत्रिमंडल के इन कार्यों पर सम्राट के प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, लेकिन ये जो शक्ति है उसका प्रयोग मंत्रिमंडल करता है। जो विभिन्न प्रशासनिक विभाग हैं उनमें कहीं ना कहीं समन्वय स्थापित करना, अर्थात जापान का जो मंत्रिमंडल है उसकी प्रशासनिक शक्तियाँ ठीक वैसी ही हैं जैसी अन्य संसदीय देशों में होती हैं, लेकिन कुछ शक्तियाँ ब्रिटेन और भारत जैसे संसदीय देशों से भिन्न हैं। अब हम बात करते हैं जापानी मंत्रिमंडल की विधायी शक्तियों की। जापानी जो संविधान है वो डाइट को राज्य का शक्ति का सर्वोच्च अंग बनाता है और उसे विधि निर्माण करने वाली एक संस्था बनाता है, अर्थात भारत की जो संसद है वही जापान की डाइट है। फिर भी मंत्रिमंडल विधान संबंधी अनेक कार्यों को संपन्न करता है। वस्तुतः संविधान मंत्रिमंडल को डाइट का विधायी नेतृत्व प्रदान करती है। चूंकि जापान में संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जो कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका में से ही ली जाती है और उसकी एक समिति के रूप में ही कार्य करती है, तो स्वाभाविक तौर पर ये सारी विशेषताएं जापान के संविधान के अंतर्गत भी देखने को मिलती है। मंत्रिमंडल के प्रतिनिधि के रूप में प्रधानमंत्री सभी विधेयकों को डाइट के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय और विदेशी मामलों के संबंध में डाइट में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
स्पष्ट है कि विधायी नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है। डाइट में जितने भी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं उनमें से अधिकांशतः जो विधेयक हैं वो मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और प्राय वे ही विधेयक पारित होते हैं जिन्हें मंत्रिमंडल का बहुमत प्राप्त होता है। तो कुल मिलाकर जापान के अंतर्गत जो व्यवस्थाएँ हैं वो भारत और ब्रिटेन से बिल्कुल जो समकक्षता रखती हैं वही विशेषताएँ हैं। जिन विधेयकों को मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त नहीं होता निश्चित तौर पर उनके पारित होने की गुंजाइश भी काफ़ी कम होती है और इसीलिए कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की इच्छा के बिना डाइट कुछ भी नहीं कर सकती है। विधायी नेतृत्व के अतिरिक्त मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडलात्मक आदेश जारी करने का भी अधिकार प्राप्त है जिनका प्रभाव डाइट जैसा ही होता है। जापान के सम्राट को किसी भी प्रकार का विधायी वीटो प्राप्त नहीं है जैसा कि भारत में राष्ट्रपति को या ब्रिटेन में सम्राट को प्राप्त है। मंत्रिमंडल को डाइट के असाधारण अधिवेशन बुलाने का भी अधिकार प्राप्त है। जब कभी डाइट के किसी सदन के 1/4 या से अधिक सदस्य डाइट का असाधारण अधिवेशन बुलाने की मांग करते हैं तो मंत्रिमंडल इस प्रकार के अधिवेशनों को बुला सकता है। मंत्रिमंडल ही सम्राट को प्रतिनिधि सदन को समय से पूर्व विघटित या भंग करने का परामर्श देता है और सामान्य चुनावों की घोषणा करता है। जब कभी प्रतिनिधि सदन को विघटित कर दिया जाता है और राष्ट्रीय आपात की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो मंत्रिमंडल जो है वो सभासद सदन का आपातकालीन अधिवेशन बुला सकता है। विधायी क्षेत्र में डाइट की जो मंत्रिमंडल पर निर्भरता है वो इस कारण से भी है कि डाइट के सदस्यों के पास इतना तकनीकी ज्ञान नहीं होता। वे निश्चित तौर पर लोकप्रिय लोग होते हैं जो आधुनिक समय में कानून निर्माणों के लिए अत्यधिक आवश्यक होता है। तो ऐसे में इस तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण जो कार्यपालिका है या जो मंत्रिमंडल है उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं वित्तीय कार्यों के। राष्ट्रीय वित्त पर डाइट का पूरा नियंत्रण होता है। उसकी स्वीकृति के बिना न तो कोई धन खर्च किया जा सकता है और न ही किसी प्रकार का कर लगाकर धन अर्जित किया जा सकता है। फिर भी वित्त पर मंत्रिमंडल का प्रभाव अत्यधिक होता है। उदाहरण के लिए बजट मंत्रिमंडल की देखरेख में तैयार होता है और मंत्रिमंडल ही उसे डाइट के समक्ष प्रस्तुत करता है और आय व्यय की जो मदें होती हैं उन्हें तय करता है। वैसे तो मंत्रिमंडल द्वारा जो भी बजट तैयार किया जाता है उसे जो कहते हो डाइट से पास करवा लिया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि राष्ट्र की आर्थिक नीति पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण होता है तो गलत नहीं होगा। अब हम बात करते हैं मंत्रिमंडल के परामर्शदात्री कार्यों की। मंत्रिमंडल जो है वो राज्य के मामलों में सम्राट को परामर्श देता है। वस्तुतः राज्य संबंधी मामलों में भी मंत्रिमंडल का निर्णय अंतिम होता है और सम्राट इन औपचारिक कार्यों के निष्पादन में किन्हीं विशेषाधिकारों का प्रयोग नहीं करता। मंत्रिमंडल का यह कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है क्योंकि परामर्श और उसकी ओर से निर्णय के बराबर है और मंत्रिमंडल द्वारा जो भी परामर्श सम्राट को दिए जाते हैं निश्चित तौर पर सम्राट जो होते हैं वे उसे ऐसा का ऐसा स्वीकार कर लेते हैं। अब हम देखते हैं मंत्रिमंडल की जो आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो मंत्रिमंडल को ही जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो प्रदान की गई हैं। जैसा कि भारत में यदि आप देखें तो निश्चित तौर पर जो आपातकालीन शक्तियां हैं वे राष्ट्रपति में निहित की गई है। हालांकि उनका वास्तविक प्रयोग मंत्रिमंडल ही करता है लेकिन फिर भी इन सब मंत्रिमंडल के कार्यों को देखने के पश्चात आप ये कह सकते हैं कि जापानी जो मंत्रिमंडल है वो सिद्धांततः भी और व्यवहारतः भी एक शक्तिशाली संस्था है। वैधानिक दृष्टि से वह ब्रिटिश मंत्रिमंडल से भी ज़्यादा शक्तिशाली है और कहीं ना कहीं एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर प्रशासन घूमता है। तो यदि आप तुलनात्मक रूप से देखें यदि भारत ब्रिटेन और जापान के संदर्भ में तो निश्चित तौर पर जो जापान का मंत्रिमंडल है वह न केवल सैद्धांतिक तौर पर वरन वास्तविक तौर पर भी शक्तियों का प्रयोग करता है और ब्रिटेन और भारत के संविधानों की तुलना में अधिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आगे आने वाले लेक्चर में हम जापानी प्रधानमंत्री के विषय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।